एक महिला अपने बंद पड़े घर में काफी सालों बाद रहने के लिए आती है, लेकिन जब वो घर में घुसती है, कुछ टाइम वहां पर बिताती है, तो उसके बाद वो कभी भी वापस मुड़कर नहीं आई। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ था इस महिला के साथ जो कि कभी वो वापस ही नहीं आ पाई, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। घटना है 2017 की, जब यूके के तालग्रथ कंट्री क्लब के एक घर के बाहर काफी सारा एक घर में से पानी आ रहा था। वहां पर मौजूद लोगों को कुछ भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले उन लोगों ने यही बात सोची कि शायद किसी ने अपना नल खुला छोड़ दिया और उसके बाद वो बाहर कहीं चला गया होगा और ये पानी इस तरह से बह रहा है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस एरिया का जो भी एक सिक्योरिटी गार्ड था उसे जाकर ये बात बताते हैं कि एक घर से इस तरह पानी आ रहा है और तुम जाकर उन घर वालों को इस बात की जाकर सूचना दो, तो जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड उन घर वालों से जाकर मिलने की कोशिश करता है तो उसे पता चला कि इस घर का मालिक तो यहाँ पर रहता ही नहीं, और कुछ ही दिनों पहले उनकी वाइफ यहाँ पर रहने के लिए आई थी और बात अगर अब की जाए तो वो भी अंदर नहीं है। लेकिन वो इसी तरह अंदर घुस नहीं सकता था, तो उसने वापस जाकर जैसे ही उसने उस घर की मास्टर की ली और उस घर को जाकर खोला तो उसके अंदर घुसते ही उसने देखा कि पूरे घर में पानी ही पानी फैला हुआ है। उसे सिर्फ इसी बात का अंदाजा था कि हो ना हो वो यहाँ पर आई होंगी और उन्होंने कोई ऐसा नल खुला छोड़ दिया जो कि ताजे पानी का था और उस टाइम पानी नहीं आ रहा होगा। तो उसने बाथरूम में जाकर देखा, लेकिन वहां पर सारे के सारे नल बंद थे और ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां से पानी बाहर आ सके। तो उसने थोड़ी देर और चेकिंग की तो उसने पाया कि एक जो स्टोर है और उसके अंदर जो गर्म पानी करने वाला हीटर है उसके अंदर से ये सब पानी आ रहा है। वहां पर मौजूद सारे के सारे घरों का लगभग डिजाइन एक जैसा था, तो उसे इस बात का अंदाजा हो गया जो वो गर्म पानी करने वाला हीटर है ये पानी वहीं से आ रहा है। तो उसने वो दरवाजा भी खोला जिस स्टोर में वो हीटर रखा हुआ था, तो वहां से पानी आने का जो सोर्स था वो तो पता चल गया, लेकिन वहां पर एक महिला की डेड बॉडी भी पड़ी थी। जैसे ही उसने ये सब देखा तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उसने सारा का सारा मामला बताया कि जनाब मुझे इस तरह आकर एक व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि इस घर से काफी सारा पानी बाहर निकल रहा है और मैंने यहाँ पर आकर जैसे ही चेकिंग की तो बाथरूम वगैरह सब ठीक था, लेकिन पानी गर्म करने वाले जो हीटर का रूम था उसे मैंने जैसे ही खोला तो पानी का स्रोत तो मिल गया जहां से पानी आ रहा था, लेकिन यहां पर एक डेड बॉडी भी मौजूद है। प्लीज आप लोग यहां पर आ जाइए और यहां पर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। पुलिस ने जैसे ही आकर थोड़ी छानबीन की तो उन्होंने पाया कि यहां पर जो ये महिला है ये लगभग 6 दिनों से मरी पड़ी है, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। अभी तक वहां पर एक एम्बुलेंस आ चुकी थी तो उसकी डेड बॉडी एम्बुलेंस के अंदर डालकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दी और पुलिस ने उस रूम की छानबीन करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने पाया कि इस महिला ने यहाँ पर ये जो दीवारें हैं यहाँ पर दो जगह से दीवारों को तोड़ने की कोशिश की है ताकि वो बाहर निकल पाए। पुलिस ने सारा का सारा मामला देखने की कोशिश की और इसके अलावा उसके बाहर जो रूम था उसके बेड पर एक बैग भी पड़ा हुआ था उसे भी देखने की और जांचने की कोशिश की। पुलिस इस केस पर 1 हफ्ते तक इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस ने मौत का कारण यही निकाला कि इस महिला की मौत हाइपोथर्मिया के कारण हुई है, यानी कि ठंड में रह जाने के कारण। वैसे दोस्तों, बात अगर यूके की जाए तो वहां पर काफी ज्यादा ठंड होती है और यही कारण है कि वहां पर आमतौर पर भी अगर देखा जाए तो गर्म पानी के बड़े बड़े सिलेंडर होना और इसी तरह के और उपकरण होना बिल्कुल आम बात है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। तो पुलिस ने वहां पर जितने भी एविडेंस मिले थे उन सभी से एक यही निष्कर्ष निकाला कि ये महिला रात को यहां पर आई होगी। जैसा कि इनके पड़ोसियों ने भी बताया कि शाम को यहां पर ये महिला जो कि आज मारी जा चुकी है वॉक करते हुए उन्हें मिली थी।
लगभग आज से 6 दिन पहले। तो ये रात को वापस खाना वगैरह खाने के बाद अपना बैग छेड़े बिना ही वहां पर सो गई होंगी। और जैसे ही रात हुई तो ये रात को बाथरूम वगैरह करने के लिए या फिर रसोई से पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर निकली होंगी और उसके बाद गलती से इस रूम में घुस गई जहां पर ये वाटर हीटर था और कुछ एक ऐसी अलमीरा जिसमें आमतौर पर स्टोर रूम में जैसे कि सामान रखा जाता है, वो सारी की सारी लकड़ी की थी और आखिर टाइम में जो पुलिस को वो मिली थी वो सारी की सारी टूटी हुई थी। यानी कि वो रात को इस रूम में गलती से घुस गई क्योंकि आमतौर पर हम जो अपने घरों में घूमते हैं तो बिना लाइट के भी हम लोग बड़े ही मज़े से एक दूसरे कमरे में जा सकते हैं, लेकिन एक नए घर में ये सब आसान नहीं हो पाता। तो वो गलती से इस स्टोर में आ घुसी जहां पर ये गर्म पानी करने वाला हीटर था और ये अलमीरा थी। वो यहां पर आकर घुस तो गई लेकिन ज़्यादा अंधेरा होने के कारण जैसे कि इसे अपना बेड नहीं मिला तो इसे समझ आ गया कि ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा रूम है और मेरा रूम तो इससे जस्ट अगले वाला है। तो उसने वापस उस रूम से बाहर आने की कोशिश की ताकि वो अपने रूम में जा सके, लेकिन जैसे ही उसने उस रूम के दरवाजे को खोलना चाहा तो उसका हैंडल उसके हाथ में आ गया और इस डोर में वही हैंडल था जिससे वो बाहर निकल सकती थी क्योंकि इसे ही घुमाकर डोर लॉक होता था और ये तो टूटकर नीचे बिखर गया। उसने नीचे उस हैंडल को ढूंढने की कोशिश की, वो हैंडल तो मिल गया लेकिन उसके अंदर काफी सारे ऐसे उपकरण और भी मौजूद थे जो कि डोर अनलॉक करने के लिए चाहिए थे। पहले तो उसके दिमाग में यही रहा होगा कि ये कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी और कुछ थोड़ा बहुत जानदार चीज़ें वो कर भी सकती थी। वैसे यूरोपियन जगहों के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी बर्फ गिरती है और वो लोग अपने घरों को लकड़ी के साथ बनाने में ही सहूलियत समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल भी होती है और ठंड रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो उस जगह पर लगभग एक तिहाई क्षेत्र पर तो पूरी तरह से जंगल फैला हुआ है और लकड़ियों के घर बनाने भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। वैसे वो पुलिस ऑफिसर थी ही तो उसने सोचा कि ये कोई खास बड़ी बात नहीं, तो उसने अपने पीछे मौजूद उस अलमीरा को तोड़ना शुरू किया और उस डोर के ही पास मौजूद दीवार को लकड़ी से तोड़ना शुरू किया क्योंकि वो दीवारें लकड़ी की ही बनी हुई थी और उसने सोच लिया कि अगर मैं थोड़ी देर मशक्कत करती हूँ तो ये आराम से टूट जाएगा और मैं अपना हाथ बाहर की तरफ निकाल कर इस डोर को बाहर से अनलॉक कर दूंगी। उसने काफ़ी देर तक उसके साथ मशक्कत की लेकिन एक पलाई टूटती है, दो पलाई टूटती हैं, लेकिन उसके बाद एक पलाई और भी आ गई तो उसके दिमाग में यही आया कि यार ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मुझे दूसरी तरफ वाली पलाई को तोड़ना चाहिए जिससे मैं सीधा का सीधा अपने रूम में पहुंच जाऊंगी। तो उसने उस तरफ तोड़ने की कोशिश की लेकिन अगर अभी तक देखा जाए तो उसकी वो जो अलमीरा थी वो ख़त्म होने वाली थी क्योंकि उसकी सारी की सारी जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी वो टूट टूट कर ख़त्म हो चुकी थी। और एलिजाबेथ के दिमाग में यही आया कि यार मैं अगर इसी तरह लगी रही तो सुबह हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले भी मुझे बचाने के लिए आएंगे क्योंकि यहाँ आने से पहले उसके पति ने कहा था कि हम लोग इस घर को बेचने वाले हैं। तो एलिजाबेथ ने कहा था कि मैं इस घर में थोड़े दिन रहना चाहती हूँ, जब से हम लोगों ने ये घर लिया है हम लोगों ने यूज तो करके देखा ही नहीं। वैसे इसके साथ इसकी एक दोस्त भी आने वाली थी लेकिन आखिरी टाइम पर उसने आने से मना कर दिया क्योंकि उसने कहा कि यार मेरे ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ एलिजाबेथ ने तो ये बात ठान ही ली थी कि मेरे पति इस घर को बेचने पर तुले हैं और हम लोगों ने इसे कभी यूज भी नहीं किया और मैं थोड़े दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ तो मैं तो जाने वाली हूँ। एलिजाबेथ ये बात बोलकर आ चुकी थी और दूसरी तरफ अगर उसके पति के बारे में देखा जाए तो वो तो एक हफ्ते तक उसे नहीं लगता था कि उसे संभालने के लिए आने वाला है और दूसरी तरफ उसके साथ जो उसकी दोस्त आने वाली थी वो भी यहाँ पर नहीं थी। तो उसके दिमाग में यही आया कि अब रात का टाइम है, सारे के सारे लोग सो रहे होंगे तो किसी न किसी तरह मुझे ही यहाँ से निकलना होगा और यहाँ पर सारी की सारी लकड़ियाँ वगैरह तो टूट चुकी हैं तो मुझे कोई ऐसा हथियार चाहिए जो कि थोड़ा मजबूत हो और इस लकड़ी की दीवार को बड़े ही आराम से तोड़ दे।
ताकि मैं अपने रूम में जा सकूं और बाहर जाकर थोड़ा गर्म पानी पी सकूं क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। उसने वहाँ थोड़ा पीछे जाकर, उस अलमीरा के पीछे जाकर जो कि उसने पूरी तरह से तोड़ दी थी, चेक करने की कोशिश की कि क्या आखिरकार यहाँ पर कोई ऐसी लोहे की चीज़ है जिसे मैं एक हथियार की तरह यूज़ कर सकूं। तो उसके हाथ एक पाइप लगता है। उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर उस पाइप को तोड़ने की कोशिश की। वो पाइप तो टूट गया, लेकिन पाइप टूटने के बाद उसे पता चलता है कि ये पाइप उस हीटर का था जो कि पानी गर्म करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से अभी भी अंधेरा छाया हुआ था तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसे फीलिंग के तौर पर अब नई चीज़ जो मिलने वाली थी वो था ठंडा पानी। क्योंकि उसने पाइप तोड़ दिया था और उस हीटर का जितना भी पानी था वो सारा का सारा उससे बाहर निकलने लगा। उसने उस पाइप को ले जाकर जल्द से जल्द वो दीवार तोड़ने की कोशिश की क्योंकि उसके दिमाग में पूरी तरह से ये प्लानिंग फिट हो चुकी थी कि देखते ही देखते ये पानी यहाँ पर पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है मैं ठंड के मारे यहीं कपकपाकर मारी जाऊँ। तो उसने उस दीवार पर फिर से छेद करना शुरू किया और इसी तरह लगभग एक उसकी प्लाई टूटती है, दो टूटती हैं, तीन टूटती हैं और उसके बाद उसने जैसे कि सोचा था कि इसके बाद तो सिर्फ मेरा घर आ जाएगा, तो उसने हाथ लगाकर जैसे ही देखा तो वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ठोस चीज़ उसे महसूस हुई और उसके दिमाग में यही आया कि यार अब तो मारे गए क्योंकि लगता है इस दीवार के पीछे भी एक कंक्रीट की दीवार है, उसे तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर से इसी तरह जैसे कि अब मैंने ये तीन प्लाई तोड़ी हैं ऐसी ही और भी प्लाई उसके पीछे होंगी। तो जैसे ही उसे इस बात का पता चला वो पूरी तरह से अपनी हिम्मत हार गई और वहीं पर बैठ गई। उसने इस घटना के बाद तो उस तरफ भी छेद करने की नहीं सोची जहां पिछली बार उसने उस दरवाजे को सोचा था कि यहां से छेद करके बाहर से मैं ये दरवाज़ा अनलॉक कर दूंगी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। काफ़ी सारा टाइम उसने इस तरफ लगाया उस डोर वाली तरफ और दूसरी तरफ भी उसने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया ताकि वो अपने रूम में जा सके। और तीसरा अगर बात ठंडे पानी की जाए तो उसके तो कहने ही क्या है क्योंकि वहाँ का तापमान वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने वाला होता है और ऊपर से ये ठंडा पानी। और यही कारण था कि जैसे ही पुलिस ने इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई तो उसमें इसकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया निकला। लेकिन पुलिस ने वहाँ पर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की जिसमें पुलिस वालों ने पाया कि जिस दीवार के अंदर वो छेद कर रही थी और उसने ये सोचा होगा कि शायद ये किसी न किसी तरह की कंक्रीट की दीवार होगी, वो दरअसल कोई दीवार नहीं जबकि एक पेंटिंग थी। वो जस्ट उस कमरे के अंदर पहुंचने ही वाली थी उसके बीच बस एक पेंटिंग आ गई और उसने ये सोचा होगा कि ये एक कंक्रीट की दीवार है। अगर वो उसे दो या तीन बार सही से अगर धकेल देती तो हो सकता है वो पेंटिंग ही दूसरी तरफ जा गिरती या फिर उस पेंटिंग में छेद हो जाता, क्योंकि वो अगर पेंटिंग देखी जाए तो उसे कील वगैरह लगाकर अच्छे से वहां पर सेट किया गया था और यही कारण था जो कि एलिजाबेथ की मौत का कारण बना। वैसे बाद में उसके पति ने और उसके बेटे ने उस सोसाइटी के ऊपर केस किया कि आप लोगों ने अच्छे से इस घर के ऊपर ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि हम लोग काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर आते जरूर हैं लेकिन इस तरह से हमारे साथ होनी घट गई। वैसे दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एलिजाबेथ अगर थोड़ी देर और हिम्मत ना हारती तो शायद आज वो जिंदा होती। क्योंकि दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि छल्ले की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है और इस तरह आराम से बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने से लाख गुना बढ़िया है कि कम से कम वो लड़ती लड़ती मर जाती। वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट पाजे मलिक को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।